तो नमस्कार साथियों। तो सीईटी की क्वालिफाइंग को लेकर जो कोर्ट का डिसीजन है वो आ चुका है। कोर्ट ने जो फैसला है वो होल्ड रख लिया है। कोर्ट ने कोई भी फैसला नहीं सुनाया है। सभी बच्चे हैं जो वो निराश ना होए, और जो फैसला है वो रिजर्व रख लिया गया है, क्योंकि कोर्ट ने अभी कोई भी डिसीजन नहीं दिया है। और कोर्ट का जो फैसला है वो भी आ चुका है। तो सीईटी की हम बात कर लेते हैं, तो 32,000 फार्म भरे गए हैं और 3,50,000 जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई हुए हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, आगे इलेक्शन का दौर भी आ रहा है, तो इलेक्शन के अंदर हरियाणा के अंदर युवाओं की संख्या ज़्यादा है और इन युवाओं के साथ ये बहुत गलत हो रहा है। तो जो फैसला है वो सरकार ने होल्ड रख लिया है। ना तो वकील कुछ कह रहे हैं उसके ऊपर, ना कुछ और। हो सकता है वो फैसला 5 दिन या 10 दिन के 20 दिन लग जाए तो वो फैसला आ जाएगा। तो सरकार ने जो केस है वो शायद डिसमिस हो गया है, तो बच्चे निराश ना हो। और जो भी माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला होगा वो हमारे लिए सर्वमान्य होगा, और सरकार की आंखें भी खोल देंगे। जब टाइम आएगा तो सरकार की आंखें भी खोल देंगे। और जो ये जो आगे जो सरकार ने ये वोटों के लिए जो जाहिर सी दिख रहा है कि वोटों के लिए सरकार ने जो फैसला है वो भी रिजर्व रख लिया है, और इलेक्शन का दौर है हरियाणा के अंदर, तो बच्चे निराश ना हो, अपनी तैयारी को निरंतर करते रहें। हरियाणा में ना सही, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो SSC के अंदर, उसके अंदर आप जाएं, उसमें अच्छी लगन मेहनत से तैयारी करें। और जब हरियाणा के जब इलेक्शन हो तो इन इनको इनका जवाब जरूर देना है। इनको मुंह तोड़ हरियाणा को बीजेपी मुक्त बनाएं, क्योंकि युवाओं के साथ 2019 से लगातार धोखे होते आ रहे हैं। और जो पेपर भी सरकार ने 2019 के बाद एक सीईटी का एग्जाम लिया है, उसके बाद कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है। और बहुत सारी भर्तियां लंबित पड़ी है। हरियाणा पुलिस की भर्ती की बात कर लें वो भी लंबित पड़ी है। आधे बच्चे ज्वाइन हो गए हैं, आधे अभी घर पे बैठे हैं। तो ये सरकार की बिल्कुल तानाशाही दिख रही है इससे, और सरकार अपनी मनमानी पे है। और बहुत ही जो जो पढ़ने वाले युवा उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है। तब लेकिन निराश ना हो, पढ़ते रहें, मेहनत के साथ एक दिन कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।